गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, मैं हिमांशु त्यागी आप सभी का केसीजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्यारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। देखिए, लास्ट वाली क्लास में अगर आपको याद हो तो क्लास में हमने बीच में थोड़ा सा पोर्शन करने के बाद में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमने वहीं पर उसको बीच में वीडियो को स्टॉप कर दिया था। तो अभी हम लोग बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने लास्ट वाली क्लास में उसको छोड़ा था। ठीक है, अगर आपको याद रहा हो तो लास्ट वाली क्लास में हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जाना था। ये जाना था कि भाई जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो किसी भी भाव का नाम होता है, मतलब फीलिंग का नाम होता है, या फिर ये कह सकते हैं वो किसी भी एक्शन का नाम होता है, ठीक है, या फिर वो किसी भी स्टेट अवस्था का नाम होता है, क्वालिटी का नाम होता है। ये जानने के बाद में हमने जाना था कि उसकी अपनी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, उसको टच नहीं किया जा सकता है, उसको देखा नहीं जा सकता है, केवल उसको फील किया जा सकता है। और हमने जाना था कि भाई अगर आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानना चाहते हैं तो लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको कुछ ये बताया था कि वर्ड के अंत में अगर आप कुछ यूज करते हैं तो वो क्या कहलाता है, सफिक्स, यानी अगर हिंदी में कहें तो प्रत्यय, और अगर वर्ड की स्टार्टिंग में आप कुछ यूज करते हैं तो वो उसको बोलते हैं आप लोग हिंदी में पूर्व सर्ग या फिर उपसर्ग, और अगर इंग्लिश में कहें तो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई अगर आपको एक थोड़ा सा हिंट आपको और मिल जाए कि आप पहचानना चाहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे पहचाने, तो वैसे तो आप पहचान सकते हैं कि वो फीलिंग का नाम होता है, देखते पता लग जाता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा हिंट और मिल जाए, वो हिंट क्या होगा कि आपको पता लग जाए कि वर्ड के अंत में क्या सफिक्स आने वाला है। तो मैं फेमस से कुछ आपको 10 से 12 सफिक्स बताता हूँ, वो ध्यान रखिएगा। जैसे सबसे पहले आपको किसी भी वर्ड के अंत में शिप देखने को मिल सकता है, शिप, है ना, शिप देखने को मिल सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा पार्टनरशिप, तो यहाँ से आप देखते ही समझ जाएंगे कि भाई वर्ड के अंत में आपको शिप देखने को मिल रहा है। तो 99% केसेस में ऐसा होगा कि वो वर्ड जिसके अंत में आपको शिप देखने को मिलेगा वो कहलाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप सोचेगा ऐसे कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं, जैसे मैंने कहा फ्रेंडशिप, एक वर्ड है आपके सामने फ्रेंडशिप, या वैसे ही एक वर्ड आपके सामने है लीडरशिप, ठीक है, लीडरशिप। तो आप वर्ड को देखते ही बता देंगे कि ये सारे वर्ड क्या है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जितने भी वर्ड आप बना सकते हैं, आप सोचिए जितने भी वर्ड आपके दिमाग में आ सकते हैं वो सारे क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वैसे ही मैंने कहा कि अगर आपको किसी भी वर्ड के अंत में नेस दिखाई देता है, NESS, नेस, तो जल्दी से सोचिए कौन कौन से वर्ड हैं। जैसे मैंने कहा हैप्पीनेस, ये वर्ड भी क्या बनेगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। या मैंने कहा ड्राइनेस, सूखापन, ड्राइनेस, ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनने वाला है। या मैंने कहा सैडनेस, सैडनेस भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही बनेगा। वैसे मैंने कहा गुडनेस, ठीक है, अच्छा ही, गुडनेस, तो ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही बनने वाला है। तो ऐसे बहुत से वर्ड बनते चले जाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ तरीका पता होना चाहिए कि जिसके अंत में क्या आता है, नेस, या फिर जिसके अंत में क्या आता है, शिप। वैसे ही आप और सोचेगा जिसके अंत में आता हो TION, या फिर जिसके अंत में आता हो SION, एक वर्ड है जिसके अंत में आपको दिखाई दे TH, या फिर जिसके अंत में आपको दिखाई दे TY। चलिए एक एक करके देखते हैं। सोचेगा जिसके अंत में आपको दिखाई देता है TION, मैं बताता हूँ कुछ वर्ड, जैसे हो गया कन्वर्सेशन, CONVERSATION, कन्वर्सेशन। या जैसे एक वर्ड है आपके सामने रिसेप्शन, RECEPTION, रिसेप्शन। या जैसे एक वर्ड है आपके सामने क्रिएशन, CREATION, क्रिएशन, ठीक है। और बहुत सारे वर्ड यहाँ पर बन सकते हैं। या जैसे मैंने कहा एडमिशन, ADMISSION, एडमिशन, इसके अंत में SION है। या मैंने कहा एडमिशन हो गया, मैंने कहा रिवीजन, RESION, रिवीजन, ये हो गया। या मैंने कहा रिवीजन हो गया, एडमिशन हो गया, या सेशन हो गया, SESSION, सेशन, ये वर्ड यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। परमिशन कह सकते हैं PERMISSION, परमिशन, इस वर्ड के अंत में आपको SION दिख रहा है, ये हो जाएगा, ठीक है। या फिर एक वर्ड देखो जिसके अंत में TH हो, जैसे मैंने कहा हेल्थ, हेल्थ, ये वर्ड यहाँ पर हो जाएगा, वेल्थ, संपत्ति, ठीक है, ये यहाँ पर हो जाएगा, लेंथ, लंबाई, ये वर्ड यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ब्रेथ, चौड़ाई, BREATH, ब्रेथ, ये वर्ड यहाँ पर हो जाएगा। तो जिसके अंत में भी आपको TH दिखे वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। या मैंने कहा TY, ऑनेस्टी ले सकते हैं आप, HONESTY, ऑनेस्टी हो सकता है ना, या फिर हो सकता है
सिंप्लिसिटी, SIMPLICITY, सिंप्लिसिटी मीन्स सादगी, या हो सकता है यहाँ पर क्रिएटिविटी, CREATIVITY, क्रिएटिविटी। आप अपने दिमाग में खुद से सोचिए और जो भी वर्ड आपके माइंड में आ रहे हैं तो एक तरीके से वो वर्ड को याद आप खुद से रिकॉल करेंगे तो आपको लगेगा कि भाई एक तरीके से कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका, ठीक है। तो जो वर्ड मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो तो है, साथ साथ में आप खुद से भी सोच सकते हैं और जितने वर्ड आपको याद रहेंगे वो एक तरीके से वो एक वोकैबुलरी का हिस्सा है। मैंने कहा पॉजिटिविटी, POSITIVITY, पॉजिटिविटी, ये वर्ड भी यहाँ पर हो जाएगा। या आप देखिएगा कुछ वर्ड जिनके अंत में आपको देखने को मिलेगा आप कह सकते हैं URE, ये भी आता है URE, और एक वर्ड है ICE, ये भी आता है ना, HOOD, गुड, एक आता है आपका DOM है ना, ये आता है, और एक आता है आपका MEANT, MEANT, MEANT। तो ये कुछ वर्ड भी हैं, ये कुछ वर्ड भी हैं जो आपको किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंत में देखने को मिलते हैं। चलिए तो देखो जरा, जैसे मैं देखता हूँ जिस वर्ड के अंत में क्या दिखता है, URE, तो मैंने कहा फेलियर, failure, 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 ठीक है, ये हो सकता है। या मैंने कहा मॉइस्चर, नमी, MOISTURE, मॉइस्चर, नमी, ये भी हो जाएगा। वैसे मैंने कहा डिपार्चर, डिपार्चर का मतलब क्या होता है, प्रस्थान, DIPARTURE, डिपार्चर, ये वर्ड यहाँ पर हो सकता है। वैसे मैंने कहा आइस, प्रैक्टिस, PRACTICE, प्रैक्टिस हो सकता है। एडवाइस, ADVICE, एडवाइस हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पर आप और सोच लीजिएगा, जैसे कहा हुड, मैंने कहा चाइल्डहुड, CHILD, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड हो सकता है जिसके अंत में हुड आए। या मैंने कहा बॉयहुड, बॉयहुड हो सकता है ना, बॉयहुड, ये भी हो सकता है। या वैसे मैंने कहा नेबरहुड, NEIGHBOURHOOD, नेबरहुड यहाँ पर हो सकता है। तो ऐसे बहुत से वर्ड यहाँ पर आपके बन जाएंगे जिसके अंत में ऐसा कुछ देखने को मिलता है। चलो और देखो जरा यहाँ पर, जैसे मैंने कहा जिस वर्ड के अंत में क्या दिखता है, डम दिखता है, तो ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा फ्रीडम, FREEDOM, फ्रीडम, तो आप देखते ही बताएंगे फ्रीडम के अंत में डम है तो ये वर्ड क्या बनेगा आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। या जैसे मैंने कहा स्टारडम, STARDOM, स्टारडम का मतलब क्या होता है, सत्ता का नशा, उसको बोलते हैं स्टारडम, तो ये हो सकता है। या मैंने कहा फ्रीडम, स्टारडम, या हो सकता है क्या किंगडम, किंगडम साम्राज्य है ना, किंगडम हो सकता है, ये वर्ड हो सकता है यहाँ पर, KINGDOM, किंगडम। या फिर यहाँ पर हो सकता है विजडम, बुद्धिमत्ता है ना, विजडम। ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं जिसके अंत में क्या दिखेगा आपको, डम दिखेगा। या मैंने कहा मेंट, तो ऐसा कोई वर्ड जिसके अंत में क्या दिख रहा है, मेंट, तो सोचो जरा। जैसे मैंने कहा एंजॉयमेंट, ENJOY, एंजॉयमेंट, ये हो सकता है ना। एंटरटेनमेंट, ENTERTAINMENT, एंटरटेनमेंट। या मैंने कहा या मैंने यहां पर बोला मेंट जिसके अंत में आ रहा है, सोचेगा और कोई वर्ड जिसके अंत में आपको मेंट दिखाई देता हो, ठीक है, सस्टेनमेंट, एंटरटेनमेंट है ना, बहुत से वर्ड यहां पर आप बन सकते हैं, आप लिख लीजिएगा। और इसके बाद में देखो एक दो वर्ड मैं आपको और बताता हूँ, जरा मेंट के बाद में अगर आपको किसी वर्ड के अंत में दिखाई देता हो क्या, अगर आपको किसी भी वर्ड के अंत में दिखाई देता हो ऑल, AL, या फिर आपको दिखाई देता हो एज, AGE, ये दिखता हो, या फिर आपको दिखाई देता हो क्या ऑल एज, या फिर आपको दिखाई देता हो CE, या फिर आपको दिखाई देता हो CY, और वैसे ही एक है आपका यहां पर ism, 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 और फाइनली एक है आपका tude, TUDE। तो ये फाइनली कुछ वर्ड और है आपके सामने, तो आप इन पर एक बार सोचना, दिमाग से सोचिए जरा, और उसके बाद सोच करके जो वर्ड मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से कुछ वर्ड, आप वहाँ पर और ऐड कर दीजिएगा। देखो जरा, जैसे मैंने कहा ऑल, तो एक वर्ड मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने कहा रिमूवल, REMOVAL, रिमूवल, रिमूवल का मतलब क्या होता है, रिमूव करने का प्रोसेस, कि अगर आप किसी चीज़ को रिमूव करते हैं तो जो प्रक्रिया है वो क्या है आपकी, रिमूवल। या जैसे मैंने बोला विड्रोवल, WITHERAWAL,
विड्रॉवल मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को विड्रॉ करने का प्रोसेस। जैसे मान लो, मान लीजिएगा आपने कार्ड को एटीएम मशीन में डाला, उसके बाद विड्रॉ किया, तो विड्रॉ मतलब उसको वापस खींचा। इसको विड्रॉ करने की प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहेंगे, विड्रॉवल। वैसे देखो, जैसे मान लो आपने कहा अराइवल, तो अराइवल का मतलब आने का प्रोसेस, आगमन बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे बनते चले जाएंगे। जब वैसे ही अगर आप देखिएगा एज, तो मैं कह सकता हूँ डैमेज, डैमेज का मतलब क्या होता है, हानि, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब वैसे मैंने कहा मैंने कहा पोस्टेज, पोस्टेज का मतलब, पोस्टेज का मतलब जो पोस्ट का खर्चा होता है, ठीक है, टिकट का जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं पोस्टेज। या मैंने यहाँ पर कहा लगेज, लगेज जो सामान होता है, ठीक है। तो वास्तव में लगेज जो बोला जाता है वो किसी वस्तु को, किसी भी मान लीजिए आपके पास में कोई थैली है, आपके पास में कोई बैग है, कोई ब्रीफ केस है, शूट केस है, तो उसको आप लगेज नहीं कहेंगे, बल्कि वो सारा ग्रुप एक तरीके से जो पूरा कंसेप्ट का नाम होता है उसी को आप लगेज बोलते हैं। तो सारा सामान जो होता है उसको भी लगेज बोलते हैं, या बैगेज भी आप कह सकते हैं, BAGGE, ठीक है। ये सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वैसे मैंने कहा सी, तो जैसे आप ले लीजिएगा एग्जिस्टेंस, EXISTENCE एग्जिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, उपस्थिति। या फिर यहाँ पर आपकी प्रेजेंस हो सकता है, PRESENCE प्रेजेंस हो सकता है, एब्सेंस हो सकता है, ABSENCE एब्सेंस हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं। या वहीं पर मैंने कहा सी वाई, जैसे मैंने कहा एक्यूरेसी, ACCURACY एक्यूरेसी हो सकता है ना। या फिर वैकेंसी हो सकता है, VACANCY वैकेंसी हो सकता है। या यहाँ पर ले लीजिएगा यहाँ पर हो सकता है प्रेगनेंसी हो सकता है, PRAGNANCY हो सकता है, ठीक है। या फिर यहाँ पर हो सकता है और फ्लुएंसी, FLUENCY फ्लुएंसी। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ड यहाँ पर आपके आ सकते हैं, आप सोच लीजिएगा। और जैसे मैंने कहा इज्म, तो प्रिज्म तो नहीं होगा। जैसे मैंने कहा 99% केस में ऐसा होता है, तो 1% केस में आपको थोड़ा सोचना भी पड़ता है। अगर आप सोच रहे हैं कि प्रिज्म हो जाएगा, प्रिज्म आप सबको पता है भाई, प्रिज्म जो होती है वो एक आकृति होती है, एक शेप होती है, यानी जिसमें नीचे एक 2D फिगर होती है और ऊपर भी एक 2D फिगर होती है, और दोनों को मिला दिया जाता है। जैसे मान लो मैंने कहा अभी नीचे एक आप ट्राइंगल ले लो, ऐसे करके ट्राइंगल ले लो, ऊपर भी आप एक ट्राइंगल ले लो, आप इसको मिला दो, इसको मिला दो, इसको मिला दो, तो ये क्या बन गया, आपका प्रिज्म बन गया। तो इसी तरीके से इस शेप को तो आप देख पा रहे हैं अपनी आंखों के सामने, तो प्रिज्म तो नहीं होगा, ठीक है, इसको हटा दो, प्रिज्म तो नहीं होगा, प्रिज्म नहीं होगा, प्रिज्म नहीं होगा। तो जिसके अंत में इज्म आए, सोचिए जरा, जैसे मैंने कहा मैकेनिज्म, MECHANISM मैकेनिज्म हो सकता है। या फिर यहाँ पर आपका ह्यूमनिज्म कह सकते हैं, मानवता, ह्यूमनिज्म हो सकता है, और फेमिनिज्म हो सकता है, FEMINISM फेमिनिज्म हो सकता है, ठीक है, नारीवाद। या फिर यहाँ पर फेटलिज्म हो सकता है, देववाद, FATALISM फेटलिज्म हो सकता है, नेपोटिज्म हो सकता है, नेपोटिज्म वर्ड बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, नेपोटिज्म। जैसे मैंने कहा NEPOTISM नेपोटिज्म, ठीक है, बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा चलता है नेपोटिज्म वर्ड, आपको पता होगा। नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है, भाई भतीजावाद कह सकते हैं इसको, कुनबा परस्ती, कि जब हम अपने ही रिलेटिव या फिर अपने ही दोस्त की हेल्प करते हैं इन जबकि वो उस हेल्प के योग्य ना हो, या फिर मान लीजिए कि वो उस काबिल ना हो और हमको, हम उसको वो काम दे दें, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म मतलब कि अपने जानने वालों को हेल्प करना, अपने जानने वालों को वो हेल्प कर देना जिस हेल्प के वो काबिल नहीं है, वो होता है नेपोटिज्म। आगे देखो ट्यूड, जैसे मैंने कहा मैग्नीट्यूड, वैल्यू, मान, मैग्नीट्यूड। या मैं यहाँ पर कह सकता हूँ एटीट्यूड, एटीट्यूड यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, एटीट्यूड आ सकता है। या मैंने कहा लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं क्या, देशांतर। और एक होता है लैटिट्यूड, लैटिट्यूड क्या होता है, अक्षांश, ठीक है। तो ये भी आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, लैटिट्यूड हो गया, लॉन्गिट्यूड होगा मैग्नीट्यूड हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, एटीट्यूड, ये सारे हो जाएंगे आपके कौन से, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पर आपने देखो, ध्यान से देखिएगा, हमने ये जाना कि भाई ऐसे जितने भी वर्ड हैं जिनके अंत में आपको ये सफिक्स दिखाई दे रहे हैं, जिनके अंत में आपको मेंट दिख रहा है, जिनके अंत में आपको इज्म दिख रहा है, जिनके अंत में आपको ट्यूड दिख रहा है, जिनके अंत में आपको शिप दिख रहा है, नेस दिख रहा है, TH दिख रहा है, TY दिख रहा है, तो एक एक करके ये सारे वर्ड आपके क्या हो जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप ये बात याद रखिएगा कि ये मैंने आपको कुछ खास ही सफिक्स बताए हैं, 15 से 16 के आसपास। ये सफिक्स अगर आप गिनने बैठोगे तो ये 100, 200, 300, 400 बहुत ज्यादा है संख्या में।
इसका मतलब ये नहीं है कि केवल यही सफिक्स है जो अंत में आते हैं, सफिक्स और भी हैं, लेकिन खास खास सफिक्स मैंने आपको बता दिए। अब आप ये भी एक बात सोच सकते हैं कि भाई अगर आप सफिक्स ना याद रखना चाहें तो वर्ड को देखते ही आप पहचान भी सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इन सफिक्स को याद रखोगे, आप सफिक्स को याद रखे बिना भी वर्ड को पहचान सकते हैं। वो आपकी कॉल है कि भाई आप किस तरीके से याद करेंगे। जैसे मैंने बोला अराइवल, आगमन, तो ये बात अपने दिमाग में खुद सोचो कि भाई अराइवल है, तो अराइवल किसी पर्सन का अराइवल हुआ, किसी का आगमन हुआ, तो उस पर्सन को तो हम लोग देख पा रहे हैं, लेकिन अराइवल आगमन कैसा होता है, आगमन की क्या शेप होती है, उसको तो हम नहीं देख पाएंगे। तो ये सारी चीजें अगर आप याद ना रखना चाहें कि भाई इनके अंत में ये आता है ये आता है, तो डायरेक्टली भी आप वर्ड को देखते ही पहचान भी सकते हैं कि वो वर्ड एब्स्ट्रैक्ट होगा ही होगा, ठीक है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऐसे याद रखना चाहते हैं या फिर आप देखते ही पहचानना चाहते हैं, ठीक है। ये तो हमने टाइप के बारे में जाना, इससे आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, देखिए आगे देखिएगा, छोटा सा नोट यहां पर आपको देखना है। देखो अगर आपको याद रहा हो तो मटेरियल नाउन में मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा था मटेरियल नाउन अपने आप में अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल का मतलब कभी भी आप मटेरियल नाउन को काउंट नहीं कर सकते, उसके पहले आप 1, 2, 3, 4, 5, मैनी, ए या फिर एन जैसे वर्ड भी ऐड नहीं करते। और ऐड नहीं करते क्यों? क्योंकि उनको मापा या फिर तोला जाता है, गिना नहीं जाता। और इसी वजह से हमने ये भी जाना था कि मटेरियल नाउन में कभी भी आप एस या ई एस जोड़ करके उसका प्लूरल भी नहीं बनाते हैं। तो वही कहानी यहां पर भी है। देखो ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे कहा जाए कि भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसा होता है, तो आपका आंसर होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अनकाउंटेबल ही है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी कभी भी किसी भी हालत में एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी आपको कभी भी एस या यश नहीं ऐड करना, कभी भी उसके पहले कोई काउंटिंग वर्ड, गिनती वाला वर्ड ऐड नहीं करना। तो देखो जरा एग्जाम्पल्स, जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं, मैंने कहा देख लीजिए इसको, अगर कहीं भी आपको ए या फिर एन या फिर वन या फिर टू या फिर थ्री ऐसा कोई गिनती वाला वर्ड ना, 1, 2, 3 कोई गिनती वाला वर्ड, ए या फिर एन या फिर ये वर्ड मैनी, ये भी तो क्या बताता है, ये भी काउंटिंग बताता है ना। या फिर गिनती वाला वर्ड हो गया आपका कौन सा, फ्यू, फ्यू भी गिनती बताता है। एक वर्ड होता है आपका सेवरल, एस ई वी ई आर ए एल, सेवरल, ये भी गिनती बताता है। एक वर्ड होता है आपका वेरियस, वी ए आर आई ओ यू एस, वेरियस, ये भी गिनती बताता है। तो ये गिनती वाले वर्ड है जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, ठीक है ना, ये वाले वर्ड। तो ध्यान दीजिएगा ये वर्ड आपको कहां नहीं लिखने हैं, किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आपको क्या नहीं लिखना है, तो किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आपको ये वाले वर्ड ऐड नहीं करने हैं। इस बात को फिर से एक बार दिमाग में बिठा लो, अगर आपको किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले गिनती वाला कोई वर्ड दिखाई दे जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, ए एन मैनी फ्यू लिटिल लिटिल नहीं मैनी या फ्यू या फिर सेवरल या फिर वेरियस वगैरह, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसा है अपने आप में, तो आपका आंसर होगा अनकाउंटेबल। ये कैसा है अपने आप में, अनकाउंटेबल। तो इसकी अनकाउंटेबल नाउन की आप जो है एक तरीके से कहें तो मात्रा बताते हैं, मात्रा, मात्रा का मतलब क्वांटिटी, तो आप उसकी मात्रा तो बता सकते हैं, लेकिन आप उसकी नंबर मतलब आप उसकी संख्या नहीं बता सकते। तो अगर आप उसकी संख्या नहीं बता सकते तो उसके पहले कोई ये वर्ड गिनती वाले आपको ऐड नहीं करने। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात कि जब भाई ये संख्या नहीं बता सकते तो ये एक के बाद 2, 3, 4 भी नहीं बन सकता, तो इसका मतलब इसका प्लूरल भी नहीं हो सकता, तो इसमें कभी भी आपको एस या फिर एस भी अपनी तरफ से ऐड नहीं करना है, ठीक है। ये हमेशा क्या रहेंगे, ये हमेशा रहेंगे आपके सिंगुलर, हमेशा कैसे रहेंगे, सिंगुलर, हमेशा रहेंगे कैसे आपके सिंगुलर, कभी भी ये आपके प्लूरल नहीं बनने वाले, कभी भी प्लूरल नहीं बनने वाले। तो इस बात को फिर से देख लो भाई आप एक बार, इस बात को एक बार फिर से आप समझ लो, रिपीट अपने माइंड में फिर से रिकॉल कर लो। इस बात को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कभी भी क्या आप एस या ई एस जोड़ करके उसको प्लूरल करेंगे तो आपका आंसर होगा नो। अगर मैंने कहा हैप्पीनेस तो हैप्पीनेसेस कर सकते हैं, नहीं। या मैंने कहा कि भाई हैप्पीनेस से पहले वन लगा सकते हैं कि वन हैप्पीनेस, टू हैप्पीनेसेस, नहीं, ठीक है। तो दो बातें याद रख लो, उनके पहले कोई गिनती वाला वर्ड ना लगाएं और उसके बाद में कोई एस या ई एस जोड़ करके उसको प्लूरल ना बनाएं, क्योंकि ये बात आप सब जानते हैं कि भाई हमने 5 प्रकार के नाउन पढ़े। कौन कौन से, ओपन नाउन, एक हमने पढ़ा कॉमन नाउन, एक हमने पढ़ा
कलेक्टिव नाउन, एक हमने पढ़ा मटेरियल नाउन और एक हमने पढ़ा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया था, दोबारा से बता देता हूँ कि यहाँ पर आप काउंट किस किस को कर सकते हैं, कॉमन नाउन, जैसे मैंने कहा बॉय, गर्ल, पेन, कार, मार्कर, तो जितने भी कॉमन नाउन हैं उनको आप काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इनको आप काउंट कर सकते हैं, ये इसको काउंट किया जा सकता है ना, इसको काउंट किया जा सकता है। कलेक्टिव नाउन एक क्लास दो क्लासेस, इसको भी आप काउंट कर सकते हैं ना, इसको भी आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने कहा मटेरियल नाउन, तो मटेरियल नाउन को काउंट नहीं किया जा सकता, इसको काउंट नहीं किया जा सकता। मैंने कहा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अभी अभी हमने पढ़ा है कि भाई इसको भी काउंट नहीं किया जा सकता। तो ये दो जिनको काउंट नहीं किया जा सकता ये है आपके अनकाउंटेबल नाउन, ये कैसे हैं आपके, ये हैं आपके अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। और बात करूं ये वाले जो दो है आपके, ये वाले दो, तो ये हैं आपके काउंटेबल नाउन। और बात करें अगर प्रॉपर नाउन की, तो इसको तो दोनों ही कैटेगरी से बाहर रखा गया है, ना ही अनकाउंटेबल माना जाता है और ना ही काउंटेबल माना जाता है। इसमें हम किस प्रकार से डिसाइड करेंगे कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? अगर मोहन है तो मैंने कहा मोहन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, मोहन तो किसी का नाम है, उसको कैसे गिनोगे कि एक मोहन दो मोहन? अगर गिनने पर आ गए, मैंने कहा कि चार मोहन, फिर तो वो कॉमन बन जाएगा। अगर आप किसी के नाम को गिनने लग गए कि भाई मेरे विलेज में चार मोहन है, फिर तो काउंटेबल बन गया ना। तो इसलिए प्रॉपर नाउन जो होता है उसको ना तो काउंटेबल मानते हैं ना ही अनकाउंटेबल मानते हैं। और कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन ये होते हैं आपके काउंटेबल, गिने जा सकते हैं। कलेक्टिव और कॉमन कैसे होते हैं, काउंटेबल नाउन। और बात करें अगर मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ये दो नाउन जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, जिनकी केवल इसकी मात्रा बता सकते हो, इसको फिल कर सकते हो, तो ये होते हैं आपके कैसे, अनकाउंटेबल नाउन। आप कॉमन को और कलेक्टिव को तो प्लूरल बना सकते हो, साथ साथ में इनके पहले काउंटिंग वर्ड भी लगा सकते हो, यानी कहा वन बॉय टू बॉयज, वन क्लास टू क्लासेस, है ना। और बात करें मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इनको आप प्लूरल भी नहीं बना सकते और साथ साथ इनके पहले कोई काउंटिंग का वर्ड भी नहीं लगा सकते। अच्छा एक बात और भी याद, कलेक्टिव नाउन को प्लूरल बना सकते हैं लेकिन एस सी आई एस नॉर्मली इसमें जोड़ते नहीं है हम लोग। मैंने कहा टीम है, तो टीम के साथ चाहे इज लगा दो चाहे आर लगा दो, वो बटने और ना बटने वाला केस था जो मैंने आपको अब से शायद एक दो क्लास पहले बताया था, ठीक है। तो देखो जरा इसको मिटा देता हूँ, अब एग्जाम्पल्स पर आइए जरा। जैसे एक एग्जाम्पल देखिएगा, मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने लिखा, देखिए जरा जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है कि भाई ही has a knowledge, KNOWLED, he has a knowledge। दूसरा मैंने आपके सामने बोला, सेकंड आपके सामने है दूसरा आपके सामने है यहां पर they they have many advices, ADVICES, they have many advices। या फॉलो कर लीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि भाई यहाँ पर आप ये ले लीजिएगा भाई दे शुड फॉलो, दे शुड फॉलो हिज एडवाइजेस, ADVICES एडवाइजेस। तो जैसे आप दो एग्जांपल देख लो, यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में आपकी यहाँ पर नजर लगेगी कि भाई नॉलेज ये कैसा है आपका, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और हम जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है। इसके पहले हम ए का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। दूसरा हमने देखा कि दे शुड फॉलो हिज एडवाइजेस, इन दे को इसकी फॉलो को एडवाइस को मानना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर आपने एडवाइस में एस लगा रखा है, तो यहाँ से आप एस को हटा देंगे, है ना, सेंटेंस इतना रह जाएगा दे शुड फॉलो हिज एडवाइस। तो दो बातें हमने जानी कि अनकाउंट किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आप गिनती वाला वर्ड ना लगाएं, और उसके बाद में आप कहीं पर भी एस या एस को ऐड ना करें। लेकिन कहीं कहीं पर आपने नोटिस किया होगा, मैं आपको बता दूं, कहीं कहीं पर आपने न्यूज़पेपर में किसी किताब में या कहीं पर कोई टेक्स्ट आपने पढ़ा हो, तो ज़रूर आपने नोटिस किया होगा कि कुछ एक वर्ड है हमारे सामने जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हुए आप कहीं कहीं वहां पर एस या एस लगता हुआ देखते भी हैं। जैसे आपने लाइफ वर्ड में जरूर कहीं पर एस देखा होगा। मैंने नोटिस किया है कि भाई जैसे ऑफलाइन क्लास में भी कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि अक्सर हम लोग इस बात को पढ़ते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कभी एस या एस नहीं लगता, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई आर्टिकल ए एन भी नहीं लगता, पर कभी कभी लग भी जाता है। तो
ऐसी कौन सी सिचुएशन है, कौन से हालात हैं जहां पर आपको SEIS ऐड करना पड़ जाता है जबकि वो अनकाउंटेबल है? तो मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से समझिएगा, ये बातें आपको कहीं पर किसी किताब में मिलेंगी नहीं, क्योंकि मोस्टली ये किताब में सिर्फ इतना लिखा होता है कि भाई अनकाउंटेबल ना होने और इसके पहले काउंटिंग वर्ड ना लगाएं और इसके बाद में एच ना जोड़ें। पर जुड़ कहाँ पर जाता है, कुछ सिचुएशन है तो वो आप ध्यान से देखो जो आपको कहीं पर किताब में नहीं मिलने वाली। जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पर लिखिएगा आप एक नोट करके, एक नोट करके लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा एक और नोट नंबर टू करके, नोट नंबर टू। सबसे पहले एक वर्ड के बारे में जानो, तीन वर्ड है हमारे पास में, कौन कौन से? एक वर्ड है हमारे पास में नॉलेज, KNOWLEDGE नॉलेज, और एक वर्ड है हमारे पास में एक्सपीरियंस, EXPERIENCE एक्सपीरियंस, नॉलेज एक्सपीरियंस, ठीक है, नॉलेज हो गया, एक्सपीरियंस हो गया। अगर आपको इन वर्ड से पहले कोई आर्टिकल दिखाई देता है, इन वर्ड से पहले कोई आर्टिकल दिखाई देता है, तो जैसा हमने अभी जाना कि भाई ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो अगर इनके जस्ट पहले आपको कोई आर्टिकल दिखाई देता है कि ए या फिर एन, तब तो कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है कि यहाँ पर आप उसका यूज नहीं करेंगे। लेकिन होगा कब, तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर कहीं पर आपको नॉलेज से पहले, ध्यान दीजिएगा ये बहुत काम की बात है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि अगर आपको नॉलेज एक्सपीरियंस, नॉलेज एक्सपीरियंस या फिर एक वर्ड और भी होता है एजुकेशन, तीन वर्ड है बस ये, एजुकेशन, नॉलेज एक्सपीरियंस और एजुकेशन, नॉलेज एक्सपीरियंस और एजुकेशन, अगर आपको इन तीन वर्ड से पहले, अगर आपको इन तीन वर्ड से पहले कहीं पर भी कोई एडजेक्टिव दिख जाता है, क्या दिख जाता है, कोई एडजेक्टिव दिख जाता है, एडजेक्टिव का मतलब उसकी विशेषता। जैसे मैंने कहा कि नॉलेज, नॉलेज एक नाउन है, अब नॉलेज के पीछे कोई एडजेक्टिव आ जाए कि भाई गुड नॉलेज, बैड नॉलेज या फिर नाइस नॉलेज, कुछ भी, अगर किसी भी इन तीन वर्ड से पहले कोई एडजेक्टिव आपको दिख जाता है, अब इस बात को हम लॉजिक के साथ में आर्टिकल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ बताता हूँ कि आपको अगर इनसे पहले कोई एडजेक्टिव दिख जाता है तो वहां पर आप उसके पहले ए या फिर एन का प्रयोग डेफिनेटली करते हैं। ये वो केस है जो मैंने आपको बताया था कि किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले अगर कहीं पर आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले अगर कहीं पर आपको ए या एन लगाना पड़ जाता है तो कहां पर लगाना पड़ता है, तो ये तीन वर्ड आप याद रखो, एक नॉलेज हो गया, एक एक्सपीरियंस हो गया और एक आपका एजुकेशन हो गया। अगर इसके पहले कोई एडजेक्टिव आपको दिख जाए तब कंपलसरी आपको क्या ऐड करना पड़ जाएगा, एक आर्टिकल ए या फिर एन, और अगर इनसे पहले कोई एडजेक्टिव ना हो तब नहीं करना, तो उसके पहले अगर आप यूज कर देंगे ए या फिर एन का तो वो आपका गलत हो जाएगा, तब नहीं करना, ठीक है। देख लो जरा एग्जाम्पल, देखो मैंने आपसे कहा एग्जाम्पल नंबर वन, मैंने कहा एन एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर अस, और दूसरा मैंने आपके सामने बोला अ गुड एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर अस, इज नेसेसरी फॉर अस, और वहीं पर मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर तीन में ही हैज अ नॉलेज, KNOWLEDGE, ही हैज अ नॉलेज, और वहीं पर मैंने कहा आपसे चार कि भाई ही हैज अ साउंड नॉलेज, ही हैज अ साउंड नॉलेज, अच्छी नॉलेज मतलब, और एक और ले लीजिएगा पांचवा आपके सामने है डैश नॉलेज ऑफ आकाश, डैश नॉलेज ऑफ आकाश इज मोर देन योर्स, इज मोर देन योर्स। तो आपके सामने यहां पर पांच एग्जांपल हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले एग्जाम्पल में आपके सामने है कि भाई एन एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर अस, तो आप कहेंगे कि भाई एजुकेशन कैसा नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई आर्टिकल लगाते हैं क्या,
बताओ भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई आर्टिकल लगाते हैं तो आप कहेंगे नहीं लगाते, तो यहाँ का ए आपका गलत हो गया, ए हटाना पड़ेगा और इस ई को आप कैपिटल में बदल दो, तो ये हो जाएगा आपका एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर अस, एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर अस। तो जनरल केस में कोई आर्टिकल आपको नहीं ऐड करना। दूसरे में आप देखिएगा कि मैं आपसे पूछता हूँ वही बात कि एजुकेशन कैसा नाउन है, तो आपका आंसर होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आपने देखा कि भाई इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आपको क्या दिखा, गुड, और गुड क्या होता है, एक एडजेक्टिव। तो जब आपको किसी भी नहीं, नॉर्मली तीन ही ज्यादा होते हैं कि भाई इन्हीं तीन ही नाउन के, इन तीन ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले अक्सर आपको ऐसा लगता है कि भाई अगर नॉर्मली ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो हमारे दिमाग में बात आती है कि फिर सभी के साथ में ऐसा होता होगा। जनरली आप इस बात को याद रखो, सभी के साथ में नहीं होता, केवल ये तीन ही है। कौन कौन से? नॉलेज हो गया, एक्सपीरियंस हो गया और एजुकेशन हो गया। एक लाइफ, एक वर्ड हो रहा है उसके साथ में, ऐसी सिचुएशन कभी कभी बनती है, उसको मैं अगले नोट में बताऊंगा, ठीक है। तो देखो जरा, इन तीन वर्ड के साथ में, इन तीन वर्ड के साथ में अगर कहीं पर एडजेक्टिव दिख जाए तो क्या करना है आपको, ए और एन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो बताओ, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले एडजेक्टिव दिखा तो यहाँ पर ए क्या है, पूरी तरीके से सही है, कुछ भी गलती नहीं है, सही है, एग्जाम्पल आपका पूरी तरीके से सही हो जाएगा। आगे देखो जरा, अगला है इसके बाद में क्या, ध्यान से देखिएगा, अगला है ही हैज अ नॉलेज। आप जानते हैं नॉलेज कैसा नाउन है, बताएं, तो आप कहेंगे नॉलेज है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई आर्टिकल आता है, नहीं आता, तो ये ए क्या हो जाएगा आपका, गलत। आगे हमने जाना कि भाई ही हैज अ साउंड नॉलेज, तो आप कहेंगे नॉलेज कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट, उसके पहले साउंड आ गया, तो साउंड जब नाउन होता है तो इसका मतलब आवाज होता है, लेकिन यहाँ पर साउंड जब एडजेक्टिव होता है तो साउंड का मतलब होता है क्या, तो साउंड का मतलब होता है अच्छे के सेंस में आता है ना, अच्छे के सेंस में। तो यहाँ पर देखो जरा, तो ही हैज, इसको आप एक तरीके से अच्छी नॉलेज कह सकते हैं, अच्छी नॉलेज, तो ही हैज डैश साउंड नॉलेज, तो नॉलेज हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके पहले साउंड क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो फिर ए लगाना क्या हो गया, पूरी तरीके से सही हो गया, कोई गलती नहीं है। तो एग्जाम्पल आपका पूरी तरीके से सही हो गया चार, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 हमने समझा। आगे देखो जरा, एग्जाम्पल नंबर 5 को ध्यान से देखो, 5 में कह रहा है कि डैश नॉलेज ऑफ आकाश इज मोर देन योर्स, कि आकाश की नॉलेज आपकी नॉलेज से ज्यादा है। जब भी किसी भी नाउन, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट हो या कोई सा भी हो, जब भी किसी नाउन की विशेषता बता दी जाए, कि वो उसको पर्टिकुलर बना दिया जाए, उसको खास बना दिया जाए, अगर मैं आपसे कहूँ कि नॉलेज एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और अगर मैं कहूँ कि नॉलेज ऑफ आकाश, नॉलेज ऑफ राज, नॉलेज ऑफ मी, नॉलेज ऑफ यू, नॉलेज ऑफ डियर फादर, फादर्स, तो यहाँ पर मतलब हिज फादर, तो जब भी आपको किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन या फिर किसी भी नाउन के बाद में ऑफ लगा करके उसकी विशेषता बता दी जाए, वो खास बना दिया जाए, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में वो नाउन फिर पर्टिकुलर बनने की वजह से उसके पहले साथ में द लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा कि द नॉलेज ऑफ आकाश। अब हम नॉर्मल किसी भी नॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम केवल आकाश की नॉलेज की बात कर रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर है, ये खास है, यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा द नॉलेज ऑफ आकाश, यहाँ पर आपको द लगाना पड़ेगा। जब द लगाने का केस क्या होता है उसको मैं अभी दोबारा भी बता देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर आप देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको जनरल आपको वहां पर नहीं, अब एक हमारे सामने आता है क्या, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले दा का प्रयोग करता है, तो अब हम लोग करना है कम लगता है, अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर्टिकुलर है, तब उस केस में आपको दा का प्रयोग कंपलसरी करना,
आपसे कहा कि भाई एग्जांपल नंबर 1 में आपके सामने वर्ड और एग्जांपल नंबर 2 में भी आपके सामने तो आप यहां पर देखें आप कहें और वैसे ही आप कहें आप ये देखो ऐसे एग्जांपल में तो आप हुई तो आप कहेंगे तो में आप देखिएगा कि राज यहाँ पर खास खास मतलब एक खास पर्सन की बात हुई आज की तो यहाँ पर आप समझ चलिए देखो मैं इसको दोबारा से एक बार बता देता हूँ, शायद साउंड की प्रॉब्लम रही हो, माइक में कुछ समस्या थी, ठीक है। तो अगर आपको आवाज़ ना आई हो तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो अभी हमने ये जाना नोट नंबर 3 में हमने ये जाना कि भाई अगर किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी किसी भी भाववाचक संज्ञा का पर्टिकुलर केस है, मतलब खास की बात हो रही है, तो वहां पर आपको दा लगाना पड़ेगा। और अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जनरल केस हो रहा है, जनरल केस का मतलब वहां पर वो खास की बात नहीं हो रही, तो वहां पर आपको जो है दा प्रयोग नहीं करना है। देखो तो यही बात मैंने आपको मटेरियल नाउन में बताई थी। इसे मटेरियल नाउन में मैंने आपको बताया था कि डैश वाटर इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो वहां पर जो वाटर था वो कैसा था, संसार के सारे पानी की बात हो रही थी कि भाई वाटर इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, तो वहां पर आपको दा का प्रयोग नहीं करना था। और अगर मैंने कहा कि डैश वाटर ऑफ दिस पोंड इज कॉन्टेमिनेटेड, कि इस पोंड का, इस तालाब का पानी दूषित है, तो वहां पर संसार के सारे पानी की नहीं, खास पानी की बात हो रही थी, तो वहां पर हमें दा लगाना पड़ा। तो अगर मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों के साथ ही केस बनेगा, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर दोनों का पर्टिकुलर केस है, तो वहां पर आपको दा यूज करना पड़ेगा। और अगर मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों का ही जनरल केस है, तो वहां पर आपको दा यूज नहीं करना है। तो वैसे मैंने एग्जांपल बताया था आपको कि भाई ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कौन सा वाला केस है, तो आप कहेंगे जनरल। तो जनरल केस में तो आपको दा यूज नहीं करना, तो यहां पर दा हटा दिया। आगे मैंने जाना कि डैश ऑनेस्टी ऑफ राज इज नोन टू एवरीवन, राज की ऑनेस्टी के बारे में सभी को पता है। तो आप जानते हैं भाई यहां पर ये ऑनेस्टी, अभी ऑनेस्टी की बात नहीं हो रही, केवल राज की ऑनेस्टी की बात हो रही है। तो ये केस कैसा है आपका, पर्टिकुलर पर्टिकुलर तो पर्टिकुलर केस में आपको दा लगाना पड़ेगा। तो ये वाला दा आपका पूरी तरीके से सही है। आगे बढ़ेंगे, अब इसके बाद में आता है आपका नोट नंबर 4, है ना। आगे देखिएगा, इसके बाद में आता है आपका नोट नंबर 4। देखो जरा नोट नंबर 4 पर आ जाओ, नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 में जानो जरा एक छोटी सी बात।
मैंने आपको ये कहा था कि अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल ए का या फिर एन का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन कब करना है? इन खास नाउन मैंने आपको बताए थे, एक नॉलेज, एक्सपीरियंस, ठीक है, नॉलेज था, एक्सपीरियंस था, तो उन नाउन से पहले, नॉलेज, एक्सपीरियंस, हाँ ठीक है, तो उन नाउन से पहले आपको ए का या एन का प्रयोग तब करना पड़ जाता था जब वो नाउन अपने से पहले कोई एडजेक्टिव लेते थे, ठीक है। जैसे अगर मैंने कहा कि नॉलेज इज पावर, ठीक है, और वहीं पर अगर मैंने कहा कि गुड नॉलेज, तो गुड नॉलेज से पहले फिर आपको ए लगाना पड़ जाएगा, और वैसे ही मैंने कहा कि एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से पहले ए नहीं लगाना या एन नहीं लगाना, और मैंने कहा कि एक तरीके से उससे पहले कोई एडजेक्टिव ऐड कर दो जो उस की विशेषता बताए, तो वहां पर आपको फिर ए का या एन का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट और जानो, एक वर्ड है हमारे सामने लाइफ, वर्ड है हमारे सामने कौन सा? लाइफ, लाइफ, और एक वर्ड है हमारे सामने कौन सा? डेथ। तो ये दो वर्ड है जहां पर आपको, वैसे तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन कभी कभी इनको प्लूरल भी कर लिया जाता है, और कभी कभी इनसे पहले आर्टिकल भी ऐड कर लिया जाता है, तो वो बात हमें जानना है कि कहाँ पर हम लोग इनको प्लूरल कर पाएंगे और कहाँ से पहले हम इन वर्ड से पहले काउंटिंग वर्ड लगा पाएंगे। देखो जरा, लाइफ के दो मतलब होते हैं, लाइफ का एक मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग अलाइव, जीवित रहने की अवस्था। लाइफ का एक मतलब क्या होता है? जीवित रहने की अवस्था, यानी कि जीवन, है ना, जीवन। और लाइफ का एक मतलब होता है अ लिविंग पर्सन, अ लिविंग पर्सन, यानी कि जीवित प्राणी। इसका मतलब जीवित प्राणी, जीवित प्राणी। शायद ये पहले आपने कहीं पर ना पढ़ा हो, या फिर आपको इस बारे में कोई आइडिया ना हो, लेकिन इस बात को आप समझ लीजिएगा कि लाइफ का मतलब जीवन भी होता है, और लाइफ का मतलब एक प्राणी भी होता है। जैसे मैंने कहा कि मैंने तीन लाइफ बचाई, तीन लाइफ डूबने से बचाई, इसका मतलब लाइफ बचाई मतलब पर्सन बचाए, पर्सन बचाए। तो वहां पर बेसिकली लाइफ के दो मतलब हो जाते हैं, एक तो लाइफ का मतलब पर्सन भी हो जाता है, और एक लाइफ का मतलब जीवन भी हो जाता है। और वैसे ही डेथ के भी दो ही मतलब होते हैं, डेथ के भी दो ही मतलब होते हैं, कौन कौन से? आप देखो जरा, डेथ का एक मतलब होता है द स्टेट, द स्टेट ऑफ बीइंग, द स्टेट ऑफ बीइंग डेड, द स्टेट ऑफ बीइंग डेड, मृत होने की अवस्था, है ना, मृत होने की अवस्था। और एक है आपका अ डेड पर्सन, अ डेड पर्सन, अ डेड पर्सन, एक मृतक व्यक्ति, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, यहां पर डेड पर्सन की बात हो रही है, मृतक व्यक्ति की बात हो रही है। तो वैसे भले से हम इस बात को जानते हो कि भाई लाइफ और डेथ जो होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, लेकिन एक बात समझो, अगर लाइफ का मतलब होता है जीवित होने की अवस्था, जीवित होने की अवस्था मतलब जीवन, तब वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और अगर इसका मतलब है अ लिविंग पर्सन, एक जीवित प्राणी, एक जीवित प्राणी, तो जीवित प्राणी का मतलब उसको तो हम देख पा रहे हैं, तो वहां पर वो कॉमन नाउन बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी अवस्था में जब इसको आप लिविंग पर्सन के रूप में यूज करोगे, तो ये बन जाएगा आपका कैसा नाउन? कॉमन नाउन। कैसा नाउन? कॉमन नाउन। और ऐसे में क्या बनेगा आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पर सारे ये बनेगा आपका कैसा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बनेगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना है, तो वही रूल्स यहाँ पर फॉलो होंगे, वही बातें यहाँ पर फॉलो होंगी कि भाई यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको मानना है कैसा नाउन? अनकाउंटेबल। कैसा मानना है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का मतलब इसमें एस ई एस ऐड नहीं करना, इसको प्लूरल नहीं बनाना, और इसके पहले कोई काउंटिंग वर्ड भी प्रयोग नहीं करना। और वैसे ही अगर इसका मतलब एक जीवित प्राणी है, तो कॉमन नाउन बन जाएगा, तो कॉमन नाउन का मतलब ये काउंटेबल बनेगा। काउंटेबल मतलब इसमें एस या एस आप ऐड कर सकते हो, प्लूरल बना सकते हो, और इसके पहले काउंटिंग वर्ड ऐड कर सकते हो। और वैसे ही डेथ का मतलब जब द स्टेट ऑफ बीइंग डेड होगा, तो वहां पर क्या होगा? कॉमन नाउन, कॉमन नहीं, वहां पर होगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट। और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। और जब इसका मतलब होगा डेड पर्सन, एक मृतक व्यक्ति, तो वहां पर ये कैसा होगा? व्यक्ति मृतक है पर दिख तो पा रहा है, तो वहां पर क्या होगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। और कॉमन नाउन का मतलब आप सब जानते हैं, वहां पर कैसा होगा? काउंटेबल नाउन होगा। तो एग्जाम्पल से समझो जरा, देखो जरा, मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर वन, मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर वन में कि आई सेव्ड टू एल आई वी ई एस टू लाइव्स फ्रॉम ड्राउनिंग, डी आर ओ डब्ल्यू एन आई एन जी, ड्राउनिंग इंटू द
रिवर, आर आई वी आर रिवर, एक ये। और दूसरा मैंने आपके सामने बोला कि भाई दूसरा मैंने आपके सामने बोला हिज, दूसरा मैंने आपके सामने बोला हिज लाइफ इज टफ। तो आप ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, आपके सामने दो एग्जांपल हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि एग्जांपल नंबर वन में कि आई सेव्ड, मैंने बचाए टू लाइव्स, दो जीवन फ्रॉम ड्राउनिंग, डूबने से इनटू द रिवर, नदी में, कि मैंने नदी में डूबने से दो जीवन बचाए। मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर जो है कि इस लाइफ से पहले आपने एक वर्ड यूज़ किया है काउंटिंग, और वो वर्ड क्या है आपका टू, दो। और हमने अभी जाना था कि भाई किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम लोग वन टू थ्री का प्रयोग, ए एन का प्रयोग नहीं करते, लेकिन यहाँ पर हमने उससे पहले टू का प्रयोग किया। और हमने ये भी जाना था कि लाइफ में या किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप आर्टिकल मतलब उसको प्लूरल नहीं बनाते, उसमें एस या ई एस ऐड करके उसको प्लूरल नहीं बनाते, जबकि हमने यहाँ पर बना रखा है। लेकिन फिर भी एग्जाम्पल पूरी तरीके से सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस लाइफ को लिविंग पर्सन के रूप में यूज़ किया गया है। लिविंग पर्सन मतलब अगर मैंने डूबने से बचाए हैं दो प्राणी, दो व्यक्ति मैंने डूबने से बचाए हैं, तो इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पर अवस्था जीवन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर उस प्राणी की, उस व्यक्ति की बात हो रही है, उस ह्यूमन की बात हो रही है जिसको हमने डूबने से बचाया है, जो हमारी आंखों के सामने था। तो यहाँ पर जो लाइफ यूज हुआ है वो अ लिविंग पर्सन के सेंस में यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर टू लगाना भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, और लाइफ का प्लूरल करना भी सही है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। जबकि आप आगे देखिएगा हिज लाइफ इज टफ, यहाँ पर जो लाइफ है वो अनकाउंटेबल सेंस में यूज हुआ है। यहाँ पर इस लाइफ का मतलब क्या है? जीवन। यहाँ पर इस लाइफ का मतलब क्या है? जीवन। और वहाँ पर उस लाइफ का मतलब क्या था? वो पर्सन। उस लाइफ का मतलब क्या था? टू पर्सन। वो पर्सन के सेंस में कभी कभी यूज हो जाता है। तो आप इस बात को भी याद रखें कि अगर कहीं पर लाइफ का प्लूरल बना लिया जाए या लाइफ के पहले वन टू थ्री ऐड कर दिया जाए, तो ऐसा हो सकता है जब वो पर्सन के सेंस में यूज होता है। और अगर वो पर्सन के सेंस में यूज ना हो, जीवन के सेंस में यूज हो, तब वो एब्स्ट्रैक्ट है, तब वो अनकाउंटेबल है, तब ऐड नहीं किया जा सकता, समझ गए? ठीक है। और एक छोटी सी बात और देखो जरा, और इसको ऊपर कर देता हूँ। डेथ के एग्जाम्पल देखो जरा, डेथ के एग्जाम्पल नंबर है आपके सामने तीन, तीसरा है इस चैनल रिपोर्टेड थ्री डेथ्स, DEATHN थ्री डेथ्स। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, यहां पर कह रहा है कि दिस चैनल रिपोर्टेड थ्री डेथ्स, तीन डेथ्स की रिपोर्ट आई है कि भाई तीन डेथ हुई है। तो यहाँ पर जो है तीन डेथ्स मतलब उनको तीन डेड बॉडी मिली है, एक तरीके से उनको तीन डेड बॉडी मिली है। तो यहाँ पर जो डेथ का यूज हुआ है वो भी आपका इस सेंस में यूज हुआ है। कौन से सेंस में? देखो डेथ यहाँ पर यूज हुआ है कॉमन नाउन के सेंस में, मतलब डेड पर्सन, तीन डेड पर्सन के सेंस में यूज हुआ है। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी आप यूज कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये ऐसे कुछ नाउन है आपके सामने जो ऐसे कुछ कंडीशन बन जाती हैं वो लाइफ में और डेथ में बन जाती हैं, एक्सपीरियंस में, नॉलेज में, जो हमने पहले देखे थे उनमें बन जाती है। इनके अलावा कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाए, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा भाई हैप्पीनेस, सैडनेस, लगेज, बैगेज, एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, कोई भी ए टू जेड कोई भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाए, किसी में भी आप एस नहीं ऐड कर सकते और किसी से पहले काउंटिंग वर्ड ए एन ऐड नहीं कर सकते। सिर्फ ये चार पाँच केस थे जो मैंने आपको बता दिए। इसमें एक छोटा सा केस और भी बनता है, उसको देख लो जरा कौन सा केस है, मैं आपको बताता हूँ। एक केस है उसके बाद में, वो है आपका टाइम का, नोट नंबर चार है, पाँच है सर, पाँच इसको ऐड कर लो। टाइम का एक केस आपका और बन जाता है, ठीक है। टाइम, जैसे मैंने कहा कि भाई अगर आपको ये कहना है ये टाइम है, ये क्या है? टाइम है। तो शुरू से लेकर के अंत तक जितना भी टाइम हमारा है ना, मान लो मैंने कहा कि टाइम को आप जनरल सेंस में यूज करते हो, तो शुरू से लेकर के अंत तक का जितना भी टाइम है, अगर आप टोटल टाइम की बात करोगे, टाइम का मतलब होता है टाइम को आप जनरल सेंस में लोगे, तो वहां पर आपको अनकाउंटेबल मानना है। कैसा मानना है? अनकाउंटेबल। लेकिन अगर आपका ये जीवन है, मान लीजिए आप एक वन ईयर से लेकर के, मान लीजिए कोई पर्सन 100 साल जीता है, तो उसमें टाइम का कुछ हिस्सा, मान लो कि हम कहते हैं कि भाई 20 साल से लेकर के 40 साल, ये कुछ हिस्सा,
काट करके कुछ हिस्सा हम निकाल लें, जीवन का कुछ हिस्सा काट करके, टाइम का कुछ हिस्सा ना, टाइम का कुछ हिस्सा, तब ऐसे केस में वो आपका कॉमन नाउन बन जाता है, ऐसे केस में आप उसको काउंट कर सकते हैं, ऐसे केस में उसको काउंट कर लिया जाता है। देखो जरा एग्जांपल से समझो इस बात को, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि टाइम, और ऐसे केस में सिर्फ क्या होता है कि उसके पहले हम लोग आर्टिकल ऐड कर लेते हैं, ए या फिर एन का प्रयोग कर लेते हैं उससे पहले। देखो जरा, जैसे मैंने कहा टाइम दो सेंस में यूज़ करते हैं, एक तो आपका जनरल सेंस, कौन सा सेंस, जनरल सेंस होगा तो अनकाउंटेबल, अभी हमने जाना शुरू से लेकर के अंत तक। और अगर टाइम को आप पर्टिकुलर सेंस में यूज करोगे, पर्टिकुलर सेंस का मतलब अगर किसी का जीवन 100 साल का है तो उसमें से कुछ हिस्सा निकाल लो, जैसे मान लो 20 साल से 40 साल का, 20 साल से 25 साल का, या 15 साल से 23 साल का, या मान लो कि आप कोई गेम खेल रहे हैं तो गेम खेलने में जो 2 घंटे आपने बिताए, किसी जीवन कहीं पर आप गए घूमने के लिए तो वो 3 दिन आपने बिताए, जो 4 दिन आपने बिताए, तो वो जीवन का कुछ हिस्सा, चाहे वो घंटों का हो, मिनट का हो, सेकंड्स का हो, या फिर वो साल का भी क्यों ना हो, जितना भी कुछ हिस्सा है, कुछ टाइम अगर आप उसको निकाल रहे हैं तो उसको आप वहाँ पर आर्टिकल ए और एन के साथ बता सकते हैं, अदरवाइज जो जनरल सेंस में यूज होगा टोटल टाइम वहाँ पर नहीं कर सकते। देखो जरा, ऐसे में आप उसको क्या कर सकते हैं, ऐसे में आप टाइम से पहले ए का प्रयोग कर सकते हैं। देख लो एग्जाम्पल, मैंने कहा अ टाइम इज द, अ टाइम इज द बेस्ट हीलर, healer, हीलर मतलब वो हील कर देता है, टाइम जो होता है वो एक तरीके से सब कुछ सही कर देता है। या दूसरा मैंने कहा एग्जाम्पल, आई हैड अ ग्रेट टाइम, आई हैड अ ग्रेट टाइम विद माई ओल्ड फ्रेंड्स। एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहा है कि पुराने दोस्तों के साथ में मैंने बहुत अच्छा समय बिताया। एग्जाम्पल नंबर 2 में वो खास टाइम की बात कर रहा है, अगर वो पुराने दोस्तों के साथ में अच्छा टाइम बिताया तो इसका मतलब कुछ टाइम की बात है, मान लो 1 घंटे बिताए होंगे, 2 घंटे बिताए होंगे, 3 घंटे बिताए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन 2 दिन बिताए होंगे, तो जितना भी टाइम उसने अपने पुराने दोस्तों के साथ में बिताया तो वहाँ पर वो एक खास टाइम की बात कर रहा है, ये टाइम जनरल नहीं है, ये टाइम कैसा है आपका खास टाइम। तो खेलते दौरान, दोस्तों के दौरान, साथ के दौरान या किसी भी दौरान आपने जो टाइम बिताया वो खास टाइम था, ऐसा नहीं कि संसार के सारे टाइम की बात हो रही है, ये खास है, पर्टिकुलर है, यहाँ पर आप उसके पहले एक का प्रयोग पूरी तरीके से सही है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर। या आप ये भी आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पर टाइम से पहले क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया, उस हिसाब से भी यहाँ पर आपको ए लगाना पड़ेगा। और पहले वाले एग्जांपल में कह रहा है कि अ टाइम इज़ द बेस्ट हीलर, टाइम एक सबसे अच्छा जो है हीलर होता है, वो सब कुछ सही कर देता है। तो यहाँ पर मुझे बताओ किस खास टाइम की बात हो रही है, कोई खास टाइम की यहाँ पर बात हो रही है नहीं, यहाँ पर तो वो उस टाइम की बात हो रही है जो टाइम जनरल सेंस में है, जिस टाइम को हम जानते हैं, जो समय है, जिसको हम समय बोलते हैं, तो उसके पहले ए लगाना पूरी तरीके से गलत है, ये ए आपको हटाना पड़ेगा, और इस टाइम की जगह पर आपको कैपिटल तरीके से बोलना पड़ेगा, टाइम इज द बेस्ट हीलर ऐसे बोलना पड़ेगा। तो टाइम के बारे में इस बात को याद रख लो। ऐसा ही केस लाइफ के साथ में बन जाता है, आपको एक एग्जाम्पल और बताता हूँ। अगर मैंने आपसे कहा दूसरा, अगर मैंने आपसे कहा एग्जाम्पल नंबर 3, मैंने कहा ही हैड एन इजी लाइफ, ही हैड एन इजी लाइफ इन इंडिया, ही हैड एन इजी लाइफ इन इंडिया, उसने भारत में एक आसान जीवन, एक इजी जीवन बिताया। और अगर मैं कहता हूँ भाई अ लाइफ इज not always, a life is not always fair, तो आप इन दो एग्जाम्पल को फिर से एक बार देख लो। पहले एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहा है कि ही हैड एन ईजी लाइफ इन इंडिया, उसने भारत में एक आसान जीवन बिताया। तो यहाँ पर आप देख के समझ गए वही सिचुएशन जो टाइम के साथ में बनी थी, कि अगर मैंने कहा कि ये किसी का पूरा जीवन है, ये किसी का पूरा जीवन है, तो पूरा जीवन का मतलब ये कंप्लीट जीवन है, कंप्लीट जीवन, अगर आप पूरे जीवन की बात करेंगे, अगर आप पूरे जीवन की बात करेंगे, जो आपका जीवन है पूरे जीवन की बात करेंगे, तो वहाँ पर जो लाइफ होगा, वहाँ पर जो लाइफ होगा वो जनरल सेंस में होगा। कैसे सेंस में? जनरल सेंस में होगा, जनरल सेंस में होगा। और जनरल सेंस में आप
लाइव से पहले कहीं पर भी आर्टिकल ए का या फिर एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ए का या फिर एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये बात मैंने आपको बताई थी। और अगर आप जैसे टाइम का कुछ हिस्सा आपने निकाला था, वैसे जीवन का कुछ हिस्सा निकाल लो, जैसे मैंने कहा कि भाई ये इतना हिस्सा हमने निकाल लिया, उसका पूरा जीवन जैसा भी था या फिर जिस भी देश में था, लेकिन उसने लाइफ का इतना हिस्सा, लाइफ का इतना हिस्सा जो किसी खास देश में बिताया, जो किसी खास देश में बिताया, तो वहां पर हम कहेंगे कि भाई वो कुछ हिस्से की बात कर रहा है, लाइफ के कुछ हिस्से की। तो ऐसे में क्या होगा, वो पर्टिकुलर केस होगा। वो कैसा होगा, पर्टिकुलर केस होगा। और पर्टिकुलर केस में आपको वहां पर ए का या फिर एन का प्रयोग उस सेंस में कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, उस सेंस में कर लेंगे। अगर हम लाइफ का या फिर टाइम का, जो मैंने पहले बताया था, टाइम का या फिर लाइफ का कुछ हिस्सा निकाल रहे हैं, तो लाइफ के और टाइम के कुछ हिस्से के साथ में हम लोग ए के और एन के प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कह रहा है कि भाई ही हैड एन इजी लाइफ इन इंडिया। तो यहाँ पर चाहे तो आप ये वाला केस मान लो कि भाई लाइफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया और एडजेक्टिव है तो उसकी वजह से हमको एन का प्रयोग करना पड़ जाएगा, सही है। और चाहे आप ये वाला केस समझ लो कि भाई यहाँ पर जो है उसने आसान जीवन बिताया भारत में, तो इसका मतलब ये है कि उसका सारा जीवन जैसा भी रहा हो, लेकिन कुछ हिस्सा उसने लाइफ का आसान बिताया, कुछ हिस्सा उसने लाइफ का आसान बिताया, तो आप उस हिसाब से भी सोच सकते हो कि वो कुछ हिस्से की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका एन का प्रयोग सही है। और अगर आप देखोगे लाइफ इज नॉट ऑलवेज फेयर, तो यहाँ पर लाइफ की बात हो रही है, किसी खास लाइफ की बात हो रही है नहीं, यहाँ पर तो लाइफ का जो सेंस है वो कैसा है आपका, जनरल, यहाँ पर आपका जनरल सेंस है। जनरल सेंस में आपको ए का प्रयोग नहीं करना, ये हटा दो, लाइफ इज नॉट ऑलवेज फेयर, कि जो लाइफ है वो हमेशा फेयर नहीं होती है, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो अब मैं आपको फिर से एक सारी बातें रिकॉल करा देता हूँ। मैंने अभी तक आपको ये बताया कि अगर कहीं भी आपको कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिख जाए या फिर कोई भी मटेरियल नाउन दिख जाए, तो इन दो नाउन के साथ में कभी भी आपको किसी भी हालात में एक तो उनसे पहले कोई काउंटिंग वर्ड नहीं लगाना, कोई भी काउंटिंग वर्ड ए एन वन टू थ्री मैनी सेवरल वगैरह, या फिर मैंने कहा कि कभी भी उन दो नाउन्स में, कौन कौन से नाउन में, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपको कभी भी कोई एस या एश नहीं ऐड करना। एस या एश नहीं ऐड करने का मतलब आपको उसमें कोई प्लूरल नहीं बनाना। और क्यों नहीं बनाना, क्योंकि दोनों ही अनकाउंटेबल होते हैं, दोनों ही अनकाउंटेबल हैं। लेकिन इनके कॉन्ट्राडिक्शन में मैंने आपको तीन चार बातें और भी बताई कि अगर कहीं पर आपको कुछ खास नाउन है हमारे पास में जो एब्स्ट्रैक्ट हैं, कौन कौन से, जैसे एक है हमारे पास में एक्सपीरियंस, एक नॉलेज, एक लाइफ, एक टाइम, इनके साथ जो चार पांच केस बनने वाले थे मैंने आपको वो अलग से बता दिए, ठीक है, तो उनको आप अलग से याद कर लेना। और बाकी अगर हम दा की बात करें तो पर्टिकुलर केस अगर बनेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का और पर्टिकुलर केस अगर बनेगा मटेरियल नाउन का, तो दा लगाना पड़ जाएगा। और अगर जनरल केस बन रहा है तो जनरल केस में कोई आर्टिकल नहीं लगाना, ए नहीं लगाना, एन नहीं लगाना और दा भी नहीं लगाना। तो ये सारी बातें हो गई आपकी नाउन के बारे में। अभी तक जो हमने पोर्शन पढ़ा नाउन का, वो पोर्शन कौन सा था, वो था आपका बोला जाता है बेसिक पोर्शन, या फिर जो सबसे पहले हम लोग शुरू में हम उसको पढ़ डालते हैं। लेकिन अब इसके बाद में नाउन का जितना भी पोर्शन बचा हुआ है जो एग्जाम के लिए जरूरी होता है, वो होता है आपका एडवांस पोर्शन। उसके अंदर देखो क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखिएगा उसके अंदर एरर से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपके, है ना, एरर से बनने वाले जितने क्वेश्चन होते हैं वो हम देखेंगे, या फिर जितने भी आपके फिल इन द ब्लैंक के बनने वाले क्वेश्चन होते हैं, फिल इन द ब्लैंक के बनने वाले जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं वो हम लोग वहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो अब ये सारा पोर्शन आपका बचा हुआ है नाउन के अंदर। नाउन के अंदर एक पोर्शन है आपका जेंडर, जेंडर से क्वेश्चंस बनते हैं, और एक पोर्शन है आपका जैसे आपने पढ़ा होगा केस का एक पोर्शन होता है जिसमें एपोस्ट्रोफी एस, अपोस्ट्रोफी एस लगाना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, वहाँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, देखेगा। और एक पोर्शन होता है आपका नंबर, कि जहाँ पर हम किस नाउन को प्लूरल करें। कहीं पर आपने देखा होगा कि कोई नाउन डबल काम कर देता है, फिश, एक नाम सुना होगा, फिश में एस नहीं लगाते, वो खुद ही सिंगुलर होता है, खुद ही प्लूरल होता है ना। और आपने देखा होगा एक वर्ड होता है आपके सामने, कौन सा, हेडक्वार्टर्स, तो हेडक्वार्टर्स के अंत में एस लगा हुआ है, और एस लगा होने के बाद में भी वो कैसा है, वो डबल काम कर रहा है, मतलब अगर आपको सिंगुलर यूज करना है तब भी हेडक्वार्टर्स ही यूज करना है, एस नहीं हटाना, और अगर आपको प्लूरल यूज करना है तब भी हेडक्वार्टर्स ही रहेगा, ये हो गया। या फिर एक आपने जाना होगा कि भाई कैटल एक नाउन होता है, सी ए डबल टी एल ई कैटल, तो कैटल के अंत में एस लगा हुआ नहीं है, लेकिन कैटल फिर भी प्लूरल है, तो कैटल अगर आपको लिखना है कि भाई वन कैटल, टू कैटल, थ्री कैटल, कितने भी क्यों ना हो, लेकिन वो प्लूरल है, एस लगा हुआ नहीं है फिर भी प्लूरल है। तो ऐसे ऐसे कुछ कन्फ्यूजिंग नाउन्स हैं हमारे पास में जिनको हम लोग समझने वाले हैं। और एक सबसे बड़ा एरिया नाउन का जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो होता है आपका एक डिफरेंस वाला एरिया, जैसे कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि भाई हिंदी में बोलते हैं कारण और इंग्लिश में आप इसको कॉज भी बोलते हो, रीज़न भी बोलते हो, तो
अक्सर हम लोग वो डाउट होता है कि भाई कहाँ पर हम लोग कॉज का यूज़ करें और कहाँ पर हम लोग रीज़न का यूज़ करें, ये हम लोग अंतर देखेंगे। एक आपने देखा होगा कि भाई एग्ज़ाम में कुछ बार पूछा भी गया है कि होम में और हाउस में क्या अंतर होता है, ठीक है, ये हमको जानना है। और एक आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पर खाली जगह, कुछ भी खाली जगह बच जाती है तो उसको स्पेस बोल देते हैं, कहीं कहीं पर प्लेस बोल देते हैं और कहीं कहीं पर रूम बोल देते हैं। तो इनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, इंटरेस्टिंग, वो हम जानेंगे। और एक जो है आपने नोटिस किया होगा, क्लाइमेट, वेदर, इन पर क्वेश्चन बनते हैं। और किसी पर्सन के पास में स्किल स्किल है या फिर टैलेंट है, तो इसको लेकर के बहुत क्वेश्चन आए एग्जाम में कि भाई स्किल में और टैलेंट में क्या अंतर होता है, ये हमको जानना है। तो ये जो पेयर्स हैं जो जो अक्सर हम लोगों को कन्फ्यूज़ करते हैं, तो ऐसे आप मान करके चलिए 20 से 25 पेयर हैं, वो हमको जानने हैं। तो इस तरीके का सारा डेटा जो है अभी आपका पेंडिंग है, आप ज़रा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए फिर ये वाली क्लास हम यहीं पर एंड कर देते हैं, और इसके बाद में जो अगला पोर्शन है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे कल वाली क्लास में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, जितना भी हम लोगों ने जाना, वो सारा आपको समझ में आया होगा। और कोई भी अगर आपको कैसा भी डाउट रहा है तो आप क्या करें, कॉमेंट बॉक्स में जाइए और उसको टाइप कर दीजिएगा। मैं उसका कोशिश करूंगा कि जितने भी आपके क्वेरीज हैं उन सभी का मैं वहाँ पर पर्सनली उन चीज़ का रिप्लाई दूँ, ठीक है। और जो भी अगर आपको लग रहा हो कि भाई ये वाला पोर्शन ऐसे होना चाहिए या फिर किसी और आपको डाउट रहा हो, तो वो सारी चीज़ आप कमेंट बॉक्स में आकर के लिखिएगा, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप कर लीजिएगा। थैंक यू।